हिजबुल्ला प्रमुख हसन नसरल्ला की मौत के बाद ईरान लगातार धमकी दे रहा था कि वो इसराइल से इसका बदला जरूर लेगा, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ईरान इसराइल पर हमला कब करेगा। हालांकि अमेरिका ने एहतियात के तौर पर मिडिल ईस्ट में अपनी अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी थी ताकि ईरान के किसी भी हमले से इसराइल को बचाया जा सके। लेकिन इस हमले से पहले एक घटना ऐसी घटी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। ईरान में अचानक से रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन राजधानी तेहरान आते हैं और यहाँ पर उनकी मुलाकात ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से होती है। और दूसरी तरफ जब इसराइल ने हिजबुल्ला पर जमीनी हमले शुरू करने की बात की थी तब रूसी विदेश मंत्रालय की ओर से एक बयान जारी किया गया था कि इसराइल लेबनान से अपने सैनिकों को वापस बुला ले। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा था कि हम लेबनान पर हमले की निंदा करते हैं और इजरायली अधिकारियों से तुरंत शत्रुता बंद करने, लेबनानी क्षेत्र से अपने सैनिकों को वापस लेने और मध्य पूर्व संघर्ष को हल करने के लिए शांतिपूर्ण तरीकों की वास्तविक खोज में संलग्न रहने का आह्वान करते हैं। और इस बयान के कुछ ही घंटों बाद ईरान इसराइल के ऊपर ताबड़तोड़ बैलिस्टिक मिसाइल दाग देता है। और हैरान करने वाली बात यह है कि पहली बार ईरानी सेना इसराइल के ऊपर हाइपरसोनिक फतेह मिसाइल से हमला करती है। इस हमले को लेकर ईरान ये भी दावा करता है कि उसके 90% हमले अपने टारगेट पर जाकर लगे हैं। दरअसल हम रूस का जिक्र यहाँ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले एक साल में रूस और ईरान के बीच की नजदीकियाँ काफी बढ़ी हैं और दोनों ही ओर से एक दूसरे को हथियारों की सप्लाई बदस्तूर जारी है, जिस बात पर कई बार पश्चिमी देश चिंता जता चुके हैं और इसी कारण ईरान और रूस पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। जहां एक तरफ ईरान रूस को सस्ते ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलें दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ खबरें हैं कि पुतिन ने ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम मुहैया कराए हैं जिनसे ईरान इजरायली हमलों से अपना बचाव कर सके। और इस ईरानी हमले की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इसराइल के ऊपर 180 से ज्यादा मिसाइलें दागी जो जॉर्डन होते हुए इजरायली एयर स्पेस में जा घुसी। लेकिन इसराइल के अनुसार इनमें से अधिकतर मिसाइलों को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया। वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने भी कहा कि अमेरिकी युद्धपोत ने दर्जनों मिसाइलों को गिरा दिया जो इसराइल की तरफ बढ़ रही थी। वहीं इन हमलों को लेकर ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये हमारी क्षमता का एक हिस्सा है, ईरान के साथ टक्कर ना ले। वहीं एक ईरानी अधिकारी ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि इसराइल पर हमले का आदेश सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ने जारी किया था जो अभी किसी सीक्रेट जगह पर है। आपको बता दें कि ईरान ने इसराइल से दो टूक कहा है कि अगर उसने ईरानी हमले का जवाब देने की जरूरत की तो और ज्यादा कुचलने वाला जवाब दिया जाएगा। हालांकि इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान से कहा है कि उसने इसराइल पर हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। ईरान अस्ता एरव तऊत गदोला वितशलम अलकह अमिश्तार बईरान लो मवीन एत नखिशुतनु लागन अल अत्समनु वएत नखिशुतनु लगमोल लओयवनु סינואר ודף לא הבינו זאת, נסראללה ומוחסן לא הבינו זאת, וכנראה יש בטהרן אלה שלא מבינים זאת. הם יבינו. נעמוד בכלל שקבענו. מי שתוקף אותנו, אנחנו תוקפים אותו. आपको बता दें कि जिस वक्त ये हमला हो रहा था उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस इस पूरी घटना की मॉनिटरिंग कर रहे थे। यहाँ तक कि अब अमेरिका के NSA जैक सलीवन ने कह दिया है कि ईरान को इस हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। We are proud of the actions that we've taken alongside Israel to protect and defend Israel. We have made clear that there will be consequences, severe consequences for this attack, and we will work with Israel to make that the case. वहीं संयुक्त राष्ट्र में इसराइल के राजदूत डैनी डैनन ने कहा कि ईरान को जल्द ही अपने किए का एहसास होगा। इसराइल बहुत जल्द ही कार्रवाई करेगा।